गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर श्रीनगर में हैं। वो इस वक्त शहीद इंस्पेक्टर अरशद खान के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। अरशद खान अनंतनाग के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। अमित शाह परिवार से मिलकर हिम्मत पहुंचाएंगे, ढांढस बधाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अमित शाह का काफिला शहीद अरशद खान के घर पहुंचा। इस वक्त अमित शाह घर वालों से मुलाकात कर रहे हैं, घर के अंदर ही मौजूद हैं। ये वही शहीद का परिवार है, अरशद खान का परिवार, जो अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। आज अमित शाह के कार्यक्रम में इस परिवार से मुलाकात भी शामिल थी। लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके हैं इस मुलाकात को, और ये बताया जा रहा है कि परिवार से मिलकर अमित शाह ढांढस बंधाएंगे और इस बात को परिवार से कहेंगे कि पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम इस परिवार के साथ है, किसी भी वक्त पर किसी भी मुश्किल में सरकार इस परिवार के साथ खड़ी हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। अंबाला में वायुसेना के जैगुआर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पक्षी से टकराने के बाद ये कहा जा रहा है कि विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक इंजन फेलियर हो गया था पक्षी से टकराने के बाद, जिसकी वजह से पायलट को इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन राहत की बात यह है कि इतना ज़्यादा जो आप धुआं देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, दरअसल इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के एक हिस्से में आग लग गई थी, उसकी वजह से देखा जा सकता है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि इस पूरी घटना में किसी भी तरह का जान या फिर माल का नुकसान नहीं हुआ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।